শনিবার জলপাইগুড়ির নগরকাটায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে সম্প্রতি আসানসোলে আয়কর দপ্তরে অভিযানের বিষয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আপ লোক কা ভি হালত এসে হো জায়েগা। কুছ দের পেহলে মুঝে আসানসোল সে পতা মিলা, ইমতিয়াজ আলী টিএমসি কা লিডার, উনকা ঘর মে পিছলে দো দিন ইনকাম ট্যাক্স কা রেড হুয়া, 100 करोड़ से ज्यादा की नोट बरामद हुआ है। आसनसोल से टीएमसी के लीडर इम्तियाज अली का घर से, इसलिए आप लोग थोड़ा राजेश लकड़ा और सपन शाह थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा गुड्डू सिंह थोड़ा धीरे चलो, ज्यादा भाषण कम दीजिए। इतना डिसप्रोपोर्शनल एसेट बनाया, इतना चोरी। এই বিষয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা শিব দাসান ওরফে দাশু। বিলকুল বিলকুল, দেখিয়ে এ তো বাত এসা হ্যায় কি আপ এক বাত দেখিয়ে, শুভেন্দু অধিকারী কল জো স্টেটমেন্ট দিয়া, ডাইরেক্ট তৃণমূল কা নাম লে রহা হুঁ, ইমতিয়াজ কা নাম লেকে ডাইরেক্ট তৃণমূল কা নাম লে রহা হুঁ। ইমতিয়াজ ক্যা তৃণমূল কা কার্যকর্তা হ্যায় না তৃণমূল কা কোই পোর্টফোলিও হোল্ডার হ্যায়? ইমতিয়াজ এটো বিজনেসম্যান হ্যায়, এটো বিজনেসম্যান হ্যায় ইমতিয়াজ। वो तो कोई तृणमूल का ऑफिस तो बना है नहीं है, तृणमूल का ऑफिस में बैठ रहा हूं, तृणमूल का जुलूस मीटिंग में तो जा रहा नहीं है। वो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को लेके आप खींच रहा है तृणमूल का अंदर, ये सरासरी अन्याय का बात है। अब तृणमूल के बारे में बोलिए, तृणमूल कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई घटना है तो आप बताइए, झूठ मूठ के ना आप किसी को बोल दे रहा हो ये तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का नेता है, उसका घर से इतना रुपया मिल गया, ये सब एटो विभ्रांत वाला डायलॉग बोल रहा है। इससे हमको लग रहा है इसका माता सही से काम नहीं कर रहा हूं, अगर माता काम करता तो ये सब बात नहीं बोलता। जो गेटेस का अधिकारी कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, ये एनगोरी का मैटर है, उन लोग का हाथ में है, अधिकारी लोग का हाथ में है, और शुभेंदु जान लेते हैं इसका मतलब, ये इंडियन टैक्स का भी ऊपर में बैठा हुआ शुभेंदु, इसका मतलब यही है कि पब्लिक को दिखाना चाहता है हम सब कुछ है, सब जानकारी हमको है, यही तो पब्लिक को दिखाना चाहता है। इससे ज्यादा बुड़बक कौन होता है? इससे कोई आपको तृणमूल कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, ये जो उसको बदनाम करने के लिए तृणमूल को जोड़ दे रहा है, নতুনরূপে সেজে উঠেছে নাইস পার্ক। ছোট থেকে বড়দের জন্য আনন্দ ও সময় কাটানো ছাড়াও রয়েছে পিকনিক থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। নাইস পার্ক দেবক নৈহাটি।